हेलो गाइस, बहुत लोगों का ये कहना होता है कि सर मेरी लेफ्ट हैंड वीक है एंड राइट आर्म स्ट्रांग है एंड लेफ्ट आर्म वीक है, प्लस मेरे चेस्ट के मसल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड बड़ा है एंड राइट साइड छोटा है, या राइट साइड बड़ा है लेफ्ट साइड छोटा है। और लोग इसके लिए क्या करते हैं, अगर वो डंबल से एक्सरसाइज करते हैं तो वो सोचते हैं कि जो स्ट्रांग हैंड है उससे हम कम रेप्स करें एंड जो वीक है उससे हम ज़्यादा रेप्स करें। स्ट्रांग हैंड्स उन्होंने 10 किया एंड लेफ्ट हैंड से 12 किया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कि इससे प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व होगी। आपको क्या करना चाहिए कि आपको यूनिलैटरल मूवमेंट करना चाहिए। यूनिलैटरल मूवमेंट कहने का मतलब है कि आपको डंबल से एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप केबल में कर रहे हो तो केबल में सिंगल केबल करो, केबल में आप रॉड लगाकर मत करो, ठीक है। उसमें भी आप वो हुक लगा लो, सिंगल करो। आप बारबल से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, उससे क्या होता है कि आप बारबल तो लिफ्ट कर ले रहे हो बट आपको ये नहीं पता है कि आपके राइट हैंड ने कितना परसेंटेज ताकत लगाया एंड लेफ्ट हैंड में कितना लगाया। हो सकता है कि आपका राइट स्ट्रांग है तो इससे ज्यादा ताकत लगाओ एंड लेफ्ट वीक है तो लेफ्ट से कम ताकत लगाओ, तो आपको नहीं पता है। इसलिए आप एक्सरसाइज डंबल्स करो। यूनिलैटरल मूवमेंट का मतलब है कि आप डंबल और केबल से एक्सरसाइज करो। अगर आप डंबल से लिफ्ट करते हो तो आपको अपना 100% दोनों पर्टिकुलर हैंड्स में लगाना पड़ता है ताकत। अगर आप ताकत नहीं लगाओगे तो एक साइड लिफ्ट ही नहीं होगा। इसलिए आप डंबल से करो। अगर जो भी हैंड वीक है वो ऑटोमेटिक कुछ मंथ में स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपके हाइपोट्रॉफी इक्वल नहीं है दोनों साइड, मीन्स के लेफ्ट और या राइट कोई भी पार्ट आपके छोटे और बड़े हैं, तो ये भी इसे सॉल्व हो जाएगी डेफिनेटली।